आज के जदीद अहद का पाकिस्तान और उसका शहरी निजाम ब्रिटिश इंडियन तारीख की एक रिफ्लेक्शन है कि उस वक्त के तमाम मौजूदा बड़े शहर इसी अहद में तामीर किए गए। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। छोटे गांवों और शहरों से साइकिल टांगे और ट्रेनें भर भर कर नौजवान शहर में लाती रही कि शहर उस वक्त तरक्की और खुशहाली की अलामत थे। ट्रेन के स्टेशन से सवारियां भर भर कर ढोते टांगे पाकिस्तान में शहरी तरक्की या अर्बनाइजेशन की अलामत बने। टांग लौर दा होवे ते पावे चंग दा टांगे वाला खैर मंगदा। और वो शहर जो रोजी रोटी के अलावा इंसान को इश्क से भी बारियाब करे तो महबूब के शहर से तो अच्छा कोई शहर ही नहीं। कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। शहर जरूरत के सामान की अलामत बने। पिशावर से मेरी खातिर दंगा सालाना। और अगर जरूरत का सामान इश्क से भी जुड़ा हो तो फिर उस शॉपिंग की क्या बात है। शहरों से मंसूब सौगातें और जरूरत के सामान की चीजें भी गीत के मौजूआत का हिस्सा रही। जिसको भी जिस शहर से मंसूब जो भी चीज पसंद थी उस पे गीत बने। लच्चा झंग तते खुशा मुल्तानी। शहर वही जहां महबूब का घर हो और सौगात वही जो महबूब के शहर से हो। शहर अभी तरक्की की अलामत बन रहे थे कि अताउल्ला ईसा खेलवी ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपनी महबूबा से कहा कि आप जहां की भी है आपको वापस मियां वाली ही आना पड़ेगा। शहर वही है जहां जरूरत पूरी होती हो, जहां इश्क रहता हो, जहां की सौगातें पसंद हो, वो फिर लाहौर हो, कराची, पिशावर या फिर फैसलाबाद।